नमस्कार दोस्तों, ये हमारा अगला सेशन होगा जो कि मैंने बता रखा था नागार्जुन का, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है। मैंने इससे पहले इसके पहले का सभी वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आप पढ़ेंगे क्या कि पछाड़ दिया मेरे आस्तिक को बहुत दिनों के बाद, दूसरी कविता है। तीसरी कविता है कि बादल को घिरते देखा, और चौथी है सिंदूर तिलकित भाल। अवतरण पहला है बहुत दिनों के बाद। पहले ही देखिए बहुत दिनों के बाद स्टार्ट हो जाती है, अर्थात ये नागार्जुन की बहुत दिनों के बाद कविता से उद्धृत है। बहुत दिनों के बाद अब भी बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान बहुत दिनों के बाद। अब की मैं जी भर सुन पाया धान कटती किशोरियां की कोकिल कंठी तान बहुत दिनों के बाद। संदर्भ की अगर बात करें तो संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत का पंक्ति प्रसिद्ध कवि नागार्जुन द्वारा विरचित बहुत दिनों के बाद नामक शीर्षक से उद्धृत अवतरित या फिर लिया गया है। अगर साथ में इसकी प्रसंग की बात करें तो कविवर नागार्जुन ने प्रस्तुत कविता में ग्राम संस्कृत का अत्यंत मनोरम वर्णन किया है। व्याख्या करें, कवि नागा अर्जुन कहते हैं कि शहरी वातावरण के आपाधापी वाले युग में जीवन जीते जीते अब जी ऊब चुका है, अतः कवि गांव की ओर लौट और ग्रामीण परिवेश का आनंद विभोर होकर दर्शन किया। कवि कहता है, आज मैंने बहुत दिनों के बाद अपने गांव के खेतों में पकी सुनहली फसलों की सुंदर मुस्कान का दर्शन जी भर के किया है। कवि को गांव की पकी फसल सुनहली लगती है, उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। बहुत दिनों के बाद मुझे ग्राम बालाओं का धान कूटने समय गाए जाने वाले कोकिल कंठ से सुरीली तान से युक्त मधुर गीत सुनने का अवसर मिला। यहाँ कवि ने श्रम और सौंदर्य का सुंदर मिश्रण करके काव्य के चमत्कार भाषा उत्पन्न की है। विशेष अगर देखें तो भाषा खड़ी बोली है, मुक्त छंद एवं श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कवि ने इस पंक्तियों में जो है बताया है कि वो अपने गांव की जो काफ़ी दिनों बाद जाता है, गांव की जो उस समय का परिवेश जो होता है, वो धान काटने की जो खेती में हरी हरी हरियाली जो होती है, इसके बाद धान कूटते समय जो गांव में गाना गाया जाता है, सुरीली आवाज़ों का वर्णन इसमें किया गया है। अवतरण दो पे आते हैं, जाने भी दो आओ तुम मेरे साथ रत्नेश्वर, देखेंगे आज जी भर कर उगते सूरज का अरुण अरुण पूर्ण बिंब, जाने कब से नहीं देखा था शिशु भास्कर। आओ रत्नेश्वर कृतार्थ हो हमारे नेत्र, देखना भाई जल्दी न करना, लौटना तो है ही मगर यह कहाँ दिखता है रोज रोज। सोते ही बिता देता हूँ सूत सत प्रभात, सत सत प्रभात छट सा गया है जनपदों का स्पर्श। हाय रे आंचाली कथाकर, दूसरी भाषाओं में कहा गया, हाय रे आंचाली कथाकर आज मगध उगते सूरज को देर तक देखेंगे, जी भर कर देखेंगे कहेंगे करेंगे अर्पित बहते जल का अर्घ्य, गुनगुनाएंगे गदगद होकर ओ नमो भगवते भुवस भास्कराय, ओ नमो ज्योतिरीश्वर सराय, ज्योतिरीश्वर सराय ओम नमो सूर्याय सर्वित्य। संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियाँ नागार्जुन द्वारा रचित कविता पछाड़ दिया मैंने आस्तिक से उद्धृत किया गया है। यदि प्रसंग की बात करें तो कवि ने प्रभातकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है इन पंक्तियों में। और व्याख्या की बात करें तो आओ रत्नेश्वर तुम मेरे साथ आओ, आज हम जी भर के उगते हुए सूर्य का प्रतिबिंब देखें, बहुत दिनों से इस बार सूर्य को उगते हुए नहीं देखा है, आओ हम दोनों अपने नेत्रों की इसके दर्शन से कृतार्थ कर ले, देखो जाने की जल्दी मत करना, यहाँ हमें ऐसे ही लालिमा पूर्ण सूर्य के दर्शन होंगे। हमने तो सैकड़ों प्रातः काल सोते हुए बिता दिए, आज हमें संपूर्ण मन से इसका दर्शन करना है, आज हम इस उगते हुए प्रातःकालीन सूर्य के सौंदर्यमय आभा को जी भर कर देखेंगे, आज इस बहते हुए जल का अर्घ्य अर्पित करेंगे और फिर ईश्वर का मंत्रोच्चार करेंगे, जिसमें सूर्य को नमस्कार करेंगे, ज्योति स्वरूप ईश्वर का नमन करेंगे। इसी प्रकार से हमारा अवतरण तीसरा है, देखते हैं।
यहाँ पे सूर्य नमस्कार को जो है, इससे पहले जो उसमें अवतरण हमने दो पढ़ा था उसमें सूर्य नमस्कार की भावनाएं बताई गई थी, किस प्रकार से मतलब सूर्य सुबह सुबह का वर्णन किया गया था। अवतरण 3 में हम देखते हैं, कहा गया है कि कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, धूड़ा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया मैं बरस पड़ा होगा ना कहीं पर, जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबित कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझालिन से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। संदर्भ की बात करें तो प्रसंग पद्यांश नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा से उद्धृत लिया गया है। प्रसंग की बात करें तो उसमें बताया गया है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में नागार्जुन ने हिमालय के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या की बात करें, नागार्जुन कालिदास के मेघदूत नामक काव्य में कथित यक्षराज धनद कुबेर उनके यक्ष यक्ष द्वारा प्रेषित आदि की कवि कल्पना प्रसूत मानकर प्रश्न करते हैं कि यदि वह सब सत्य है जैसा मेघदूतम में वर्णित है तो धनपति कुबेर उनकी राजधानी अलकापुरी आज कहाँ पर है। यही नहीं, कालिदास द्वारा कहा गया आकाश प्रवाहित गंगा जल का भी आज कोई पता नहीं है। मैंने उन महाकवि के द्वारा कथित उस मेघ को भी बहुत तलाशा जिसे यक्ष ने अपनी पत्नी के पास रामगिरी दूत बनाकर भेजा था, किंतु उसका कोई पता नहीं लगा। कवि कहता है कि कौन कहे कि यह सब छाया तुल्य कवि कल्पना की उड़ान भर है। ऐसा लगता है कि वह कहीं मार्ग में ही नहीं, मार्ग में ही पानी बनकर बरस पड़ा होगा। नागार्जुन कहते हैं कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है कि गगनचुंबी कैलाश पर्वत की चोटियों पर बड़े बड़े बादल खंड तूफान और हवा के थपेड़ों से आपस में टकरा टकरा कर उसके परिणाम स्वरूप भीषण नाद कर भयंकर शीत में भी बरसते हुए देखा है। यही नहीं, वहाँ पर बादलों के समूह घिरे रहते हैं, इसे मैं प्रत्यक्ष देखा है, इसे मैंने प्रत्यक्ष देखा है। विशेष अगर बात कही जाए तो इसमें कवि नागार्जुन ने कालिदास कृत मेघदूत को आधार बनाकर इस कविता को अद्भुत सौंदर्य में युक्त कर दिया है। उनकी एक बड़ी विशेषता है कि वे यद्यपि प्रगतिशील विचारधारा को केंद्र में रखकर अपना कवि कर्म करते हैं, किंतु वे अपने प्रतीक विषय एवं सौंदर्य बोध को विशुद्ध भारतीय परंपरा से चुनते हैं। भारतीय संस्कृत की उनकी कविताओं में बिल्कुल नवीन परिप्रेक्ष्य में आई है। यहाँ पे कालिदास के जो मेघदूतम लिखा था उसी को आधार मानकर इसमें कविताएं अपना जो है लिखे हैं कि बादल को घेरते देखा की बात इसमें बताई गई है। अवतरण चौथे की बात करें, सत सत निर्झर निर्झरड़ी कल मुखरित देवदारु कानन में सोड़ित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटिके भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गालों में कानों में कुवलय लटकाए सतदल लाल कमल वेड़ी में रजत रचित मणिखचित कलामय पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपति पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिरारूढ़ आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरस अंगुलियों की वंशी पर फिरते देखा है। अगर संदर्भ एवं प्रसंग की बात करें तो पूर्ववत है, अगर और व्याख्या की बात करें तो कवि नागार्जुन सफ़ेद पोश राजनेताओं के कथनी करने के फर्क को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि यानी जो राजनेता हैं उनके कथनी और करनी यानी जो कहते हैं और जो करते हैं उनके कथनों को यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो लोग समाज में उज्जवल श्वेत वस्त्र धारण किए देवता बने फिरते हैं वही अपना अमूल्य समय पहाड़ियों एवं गिरी प्रांतर में जाकर गांव देश की अबोध ज्वालाओं को फांस कर अपनी विलास के लिए करते हैं। सैकड़ों झरने निर्झरणी के कलकल स्वर से आवेष्टित घाटियों में जहां लाल श्वेत वर्ण के भोजपत्रों
में भोजपत्रों से छाए हुए अनेक झोपड़े हैं, नाना रंगों में रंगे हुए सुगंधित पुष्पों से अपनी केश राशि को सजाए हुए ग्राम युवतियां अपने शंख सदृश सुंदर गले में नीलमणि की माला पहने, कानों में कमल एवं वालियां पहने, सतदल युक्त कमलों हाथों साधारण मदिरा पात्र नहीं, वेड़ी की सजाए हुए युवतियों के साथ ये विलासता के पंख में आकंठ डूबे रहते हैं। इनके हाथों साधारण मदिरा पात्र नहीं, चांदी के बने हुए जिसमें मड़ियाँ जड़ी हुई हैं, पात्रों में मदिरा भर कर अपने कंठ में नीचे उतारते हैं। इनके मदिरा पत्र भी लाल चंदन की तिहाई पर सजे हुए हैं। ये गांधीवाद और सत्य अहिंसा के पुजारी कहलाने वाले तथा कथित देवता निरपराध मृगों के वध से निर्मित मृग छाल जिनके सुंदर सुगंधित सुवास निकलती है पर आराम से पलथी मारकर मदिरा के कारण लाल लाल हुई सुंदरियों के साथ कीड़ा रत रहते हैं। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से किन्नर जाति के कन्याओं द्वारा संपन्न विलास भूमि, उनकी मृदुल अंगुलियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहाने उनका शोषण होते देखा है। विशेष बात करें तो कवि नागार्जुन ने यहाँ पर सफ़ेद पोश कहे जाने वाले गांधीवाद नर पशुओं की पोल खोल दी है और उनके कथनी और करने के अंतर को उजागर करते हुए उन्हें रंगा हुआ सियार माना है और इन्हें भारतीय ग्रामीण जीवन, समाज और शासन के लिए घातक कहा है, क्योंकि ऐसे विलासी मद्दप और नीच लोग शासन सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए कभी भी गुरेज नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे समाज में व्याप्त जो उस समय बुराइयाँ थी, हालांकि आज भी ये बुराइयाँ व्याप्त ही हैं, जो सफ़ेद पोशाक अर्थात नेतागण हैं, कुछ ऐसे, हालांकि सभी नेताओं को तो नहीं कहा जाता, लेकिन कुछ नेताओं ऐसे हैं जो कि सफ़ेद पोशाक के ऊपर अंदर में एक कह सकते हैं भयानक खूंखार एक इंसान छुपा होता है जो कि दूसरे के शोषण करता है बस, और अपने सुख और धर्म विलासतापूर्वक जीवन को निर्वहन करता है। उसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। अवतरण पाँचवें की बात करें तो ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारूढ़ की मृदु किरणों थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशाकाल से चीर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन फिर उसमें उस महान सरवर के तीरे, सहवालों की हरी दरी पर पड़े कलह छिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा है। संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश नागार्जुन द्वारा विरचित कविता बादल को घिरते देखा से उद्धृत किया गया है और प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि ने चकवी और चकवे के विरह मिलन का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। साथ ही साथ अगर व्याख्या की बात करें तो बसंत ऋतु की प्रातःकालीन बेला थी, धीरे धीरे हवा चल रही थी, प्रभात काल के समय उगने वाले सूर्य की किरणें सुकोमल होती थी, सरोवर के दोनों तरफ सुनहरी चमक वाली पर्वत की चोटियां विद्यमान थी। उस सरोवर में जिन चकवी चकवों को एक दूसरे बिछुड़ कर पूरी रात व्यतीत करनी पड़ती है, वे चकवी चकवे के जोड़े को रात्रि के समय बिछड़ने का इन्हें बहुत समय से शाप मिला है। इस प्रकार विवश चकवी चकवों के जोड़े को प्रातःकाल करुणा विलाप बंद हुआ था। इसके पश्चात भी उस विशाल सरोवर के तट पर तट सैवाल घास हरी दरी के सदृश बिछ रही थी। मिलन के कुछ क्षण बाद उन चकवी चकवे में जो प्रेम कलह अर्थात संघर्ष शुरू हो जाता है, उस दृश्य को मैंने देखा है, मैंने हिमालय पर बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हिमालय पर जो चकवा चकवी जो उस समय रात को बिछड़ जाते हैं, सुबह वापस से मिलते हैं, फिर इसके बाद वो फिर से किस तरह से पूरे दिन भर साथ में रहते हैं, इसके बाद रात को फिर बिछड़ जाते हैं। मैंने उस हिमालय पर उस चकवे और चकवे को देखा, उसी का मनोरम दृश्य जो है इन कविताओं में अपने उद्धृत किया है, लिखा है। अगर हम अवतरण सातवें की छठे की बात करें तो इसमें क्या है, दुर्गम बर्फानी घाट में सत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित हो होकर तरलल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। संदर्भ पूर्वत रहेगा, बादल को घिरते देखा है इसे लिया गया है, नागार्जुन इसके लेखक है। और प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हिरण को कस्तूरी के लिए व्याकुलता का वर्णन किया है। व्याख्या,
बर्फ जमी हुई दुर्गम घाटी में जहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है, ऐसी घाटी में सैकड़ों और हजारों फीट की ऊंचाई पर कस्तूरी हिरण विचरण करता है। ऐसी घाटी में सैकड़ों और हजारों फीट की ऊंचाई पर कस्तूरी हिरण विचरण करता है। उसकी नाव ही न उसे दृष्टिगंत होती है और न किसी अन्य को। उस नाभ से उठने वाली कस्तूरी की गंध अर्थात महक मतवाला कर देने वाली होती है। गंध उस हिरण की नाभ से आती है, पर वह समझता है कि वह गंध किसी अन्य स्थान से आ रही है। वह उस गंध वाली वस्तु को प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है। जब सुगंधित वस्तु अर्थात कस्तूरी प्राप्त नहीं होती, तो कस्तूरी वाला हिरण अपनी असफलता के कारण अपने आप को कोसता है। कवि कहता है, मैंने उसे देखा है और हिमालय के बादल को घिरते हुए देखा है। अपने साथ में अवतरण की बात करते हैं। हिरण के बारे में उसमें बताया गया था छठे में। घोर निर्जन में परिस्थिति ने देखा घोर परिस्थिति घोर माफ कीजिएगा घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल। याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। कौन चाहेगा कि उसका शून्य शून्य में टकरा हुआ उच्छावास। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी। करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निःश्वास। मैं न साधारण सचेतन जंतु, हाँ यहाँ हाँ ना किंतु की किंतु और परंतु। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध। यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नई पाषाण। संदर्भ की बात करें तो हम प्रस्तुत काव्य पंक्ति में प्रयोगवादी कवि नागार्जुन ने विरचित सिंदूर तिलकित माल विरचित सिंदूर तिलकित भाल कविता से अवतरित किया है। सिंदूर तिलकित भाल से प्रसंग में प्रस्तुत कविता में कवि अपि अपनी प्रियतमा को याद करते हुए उसके विद्रोह की स्थिति का अत्यंत सुंदर वर्णन करता है। व्याख्या अगर देखें तो इसमें व्याख्या क्या है, व्याख्या देखते हैं हम कि कवि कहता है, मैं परिस्थितियों वश यहाँ बिल्कुल एकांत स्थान में आकर फंस गया हूँ। मुझे सिंदूर के तिलक से सुशोभित तुम्हारे माथे की याद आ रही है। तुम्हारा सिंदूर तिलकित मस्तक बार बार मेरी आंखों के सामने घूम उठता है। एकांत स्थान पर तुम्हारी याद आ रही है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसको समान धर्मी व्यक्तियों का साथ चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी अन्य व्यक्ति से काम नहीं पड़ता। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों का सहारा और साथ लेना चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो यह चाहेगा कि वह अकेले ही आगे बढ़ता रहे और उसकी आहों अकेले ही आहे भरता रहे, उसकी आहों को देख सुनकर कोई व्यक्ति उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त नहीं करे। कभी आगे कहता है कि मैं उस निर्जीव पत्थर के सदृश नहीं हूँ जिसके कोई भी व्यक्ति उठाकर चाहे जहाँ पटक दे और वह उसका विरोध न करे। मैं वह पत्थर नहीं हूँ, अपने पास आने वाले व्यक्ति से कुछ आग्रह न करूँ अथवा उसके साथ सहानुभूति का आदान प्रदान न करूँ। यदि मनुष्यों में एक दूसरे के दुख को अनुभव करने की शक्ति नहीं होगी, तब फिर कोई व्यक्ति दुख प्रकट करने वाली आहें क्यों भरेगा। मैं चेतना रहित साधारण पदार्थ नहीं हूँ, मैं चेतना युक्त प्राणी हूँ। सुख दुख चिंता क्रोध आदि का मुझ में पूरी तरह अनुभव प्राप्त होता है। मुझको स्मरण करना, भूलना और कल्पना करना आदि सभी बातों का ज्ञान है और उनको कहने की शक्ति मुझे प्राप्त है। इसी कारण से मुझे तुम्हारे गुणों की याद आती रहती है और मुझे तुम्हारी अच्छी बातों की याद आती है। तुम्हारे अवगुणों को मैं भूल गया हूँ। प्रकृति की सुंदर वस्तुओं में मैं तुम्हारे अंगों की कल्पना कर लेता हूँ। इन सब वृत्तियों की प्राप्ति होने के कारण मैं तुम्हारी याद करने में असमर्थ हूँ। हे मेरे प्राणों की आधार, मैं निर्जीव और जड़ नहीं हूँ। कहीं तुम यह मत समझ लेना कि मैं तुम्हें याद नहीं करता। अवतरण सातवां आठवां देखते हैं हम अपना आखिरी अवतरण। ओह यद्यपि
पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही है आवाज़। धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ ना मैं असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर हूँ फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। सुनोगी सुनोगी तुम तो उठेगी हूँ, मैं रहूँगा सामने तस्वीर में प्रमुख, सांध नब में पश्चिमांत सामान, लालिमा का जब करूँ आख्यान, सुना करता हूँ सो मुखी सकाल, और याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। संदर्भ की बात करें तो पूर्वत रहेगा, और प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत का पंक्ति में कवि ने परदेश में प्रवास के दौरान गांव में रह रही अपनी पत्नी की याद में आती हुई उसकी चित्रण किया है। देखते हैं उसको। कवि कहता है, मैं ग्रामीण परिवेश में बहुत दूर आ गया हूँ, परंतु मन से मैं उनके निकट होने का अनुभव करता हूँ। मेरा मन बार बार यही कहता है कि उन लोगों का जीवन प्रशंसनीय है जो अपने समाज में रहते हैं। यहाँ भी यद्यपि मैं सर्वथा अकेला एवं विवश नहीं हूँ, यहाँ भी अन्य लोग हैं और लोगों का समूह है, परंतु मैं सदैव संबोधित किया जाऊँगा, परदेशी हूँ। इस बात का मुझे अत्यंत कष्ट है। जब यहाँ मेरी मृत्यु होगी तो मेरे लिए दो आंसू बहाने वाले लोग नहीं होंगे। यहाँ के लोग तो औपचारिकता का निर्वाह करते हुए मेरी चिता पर कुछ फूल चढ़ाकर अपना दुख व्यक्त करके अपने कर्तव्य को इतिश्री कर देंगे। समय अपनी गति से निरंतर चलता रहता है। कभी आगे कहते हैं, कुछ समय बाद जब तुम्हें मेरी मृत्यु का समाचार मिलेगा, तब उस समय तुम्हारे मन में दुख होगा और तुम्हारे मुख से वेदना भरी आवाज़ फूट पड़ेगी। यद्यपि मेरी तस्वीर तुम्हारे पास है, उसमें तुम मुझको देख सकोगी, परंतु वह तस्वीर कुछ न कह सकेगी। तुम दुखिया का दुख दूर करने के लिए कुछ कह न सकोगी। हे सुंदर मुख वाली प्रिया, मैं जब पश्चिम दिशा में अस्त होते हुए सूर्य के कारण उत्पन्न संध्याकालीन आकाश की लालिमा का वर्णन सुनता हूँ, तब मेरे मन में तुम्हारे प्रति करुणा उत्पन्न हो जाती है। उस संध्या तुम्हारा वह मस्तक मुझे याद आ जाता है जो सिंदूर का तिलक लगे होने के कारण संध्याकालीन आकाश के समान लालिमा युक्त बन गया है। कहने का आशय यह है कि सूर्यास्त होने पर आकाश की लालिमा का वर्णन मुझे यह सोचने को विवश कर देता है कि तुम्हारे सिंदूर तिलकित भाल की लालिमा मेरे अस्त होने का सूचक बन जाएगा। अभी तो वह सूर्योदय द्वारा लालिमा मंडित पूर्व दिशा के समान सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। हमारा अगला चैप्टर होगा सर्वेसा दयाल सक्सेना का, जो कि सुहागिन का गीत, लेख पर वे चले, और भूख और फसल, जो कि ये तीन कविताएं लिखी हैं, उनको भी हम अगले वीडियो में समाप्त कर देंगे। हमें आशा की जाती है कि हमारी तरफ से आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अगर पॉसिबल हो सके, और अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी आप बेशक कर सकते हैं, और कोई गलती हो तो आप लोग भाई हैं यार, अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। मैं उस पर कोशिश करूँगा कि अगली बार वो वीडियो में मैं सुधार करूँ। हालांकि मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि इसमें कोई भी गलती ना होने पाए, लेकिन अगर फिर भी इसके बावजूद कोई गलती है तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच।